खेल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज क्षत्रिय अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरस्कार कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन ब्रजलन स्टेडियम के प्रांगण में 1 से 4 दिसंबर तक किया जाएगा। प्रतियोगिता में कुल 17 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें विजेता टीम को 2 लाख तथा उप विजेता टीम को 1 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तृतीय पुरस्कार के रूप में दोनों टीमों को 50,000 रुपए का पुरस्कार खेल विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक RP सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन 1 दिसंबर को प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी करेंगे तथा 4 दिसंबर को समापन और पुरस्कार वितरण बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक RP सिंह ने कहा, बहुत हर्ष का विषय है कि गोरखपुर में अखिल भारतीय ब्रह्मलीन परम पूज्य अवैधनाथ जी महाराज के नाम से अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन रीजनल स्टेडियम गोरखपुर में होने जा रहा है। इसमें देश की सर्वश्रेष्ठ 12 टीमें भाग लेंगी और ये 1 दिसंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक ये प्रतियोगिता यहीं रीजनल स्टेडियम में चलेगी। अब मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि खेल विभाग द्वारा ये पूरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विजेता टीम को 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार, उप विजेता टीम को 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार और जो सेमीफाइनलिस्ट टीमें होती हैं, जैसे लूजर होती है ना, तीसरे चौथे जो होती है, उनको भी 50,000 रुपए का खेल विभाग पूरा ये प्रतियोगिता वहन करेगा और नगद पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम लोग 4 तारीख को यहीं आपके सम्मुख बांटेंगे।